कहते थे आप इसे, ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, क्यों? बिकॉज दे आर हैविंग ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल, साइड्स इक्वल हैं तो नेचुरली देयर एंगल्स विल ऑल्सो भी इक्वल. इनको लिखने का ऑर्डर क्या था? ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या लिखते थे? ट्राइंगल ई एफ डी, क्योंकि ए बी जो है दैट इज इक्वल टू ई एफ, देन बी सी जो है दैट इज इक्वल टू ई डी, दिस इज ई डी. अब ये चेक करो क्या सेम आ रहा है. और इधर से ए सी जो है दैट इज इक्वल टू बी एफ, ऑर्डर सही है ये? क्या आएगा फिर? ई डी एफ, चलो ई डी एफ लिख लेते हैं. अब ए बी कितना है? 3 सेंटीमीटर, और ई डी कितना है? 5 सेंटीमीटर. ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, उसमें एटलीस्ट दो साइड्स तो मैच हो रही थी. हाँ बच्चे, आपका ए बी 3 सेंटीमीटर है, किसके इक्वल है? ई एफ के. आपने पहले ई एफ ऑर्डर लिखा था, वो मैच नहीं कर रहा था, उसको चेंज कर दो, एफ ई बना दो. नाउ चेक इट, ए बी कितना है? 3, इधर से एफ ई 3, यहां से ए सी 4, और इधर से बी एफ. कर रहे हैं मैच? ये ए सी ये वाला और इधर से ये वाला मैच कर रहे हैं. अब थर्ड क्या है? बी सी 5 और इधर से डी ई 5. सो ऑर्डर आपका मैच कर रहे हैं, सो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. बस ये ऑर्डर आपने ध्यान रखना होता था. यहाँ जो अब आप नेक्स्ट करोगे सिमिलैरिटी का रूल, उसमें भी यही चीज ध्यान रखनी है. देन आपने नोटिस किया होगा कौन कौन से कॉन्ग्रुएंसी रूल्स आपने किए होंगे. ये किया था हमने, ये वाला जब एस 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 है तो ये वाला रूल क्यों नहीं लेते थे? हाँ जी, नहीं तो हम ए ए वाला तो हम नहीं लेके चलते थे कॉन्ग्रुएंसी रूल. हम ए ए वाला भी नहीं लेके चलते थे. क्यों नहीं लेके चलते थे? ए ए ए तीनों एंगल्स जब सेम है. हाँ जी मैम, दैट्स बिकॉज एंगल सेम है तो जरूरी नहीं है कि साइड्स भी सेम हो, तो इसके चलते ऊपर नीचे हो सकते. वेरी गुड. ये जरूरी नहीं है कि अगर एंगल्स आपके सेम हैं तो ट्राइंगल्स की साइड्स भी सेम है. ये ऐसे हो सकती है. लेट अस सपोज दिस इज 60 डिग्री, ऑल द एंगल्स, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड दिस इज ऑल्सो एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. ऑल द एंगल्स आर सेम बट द साइड्स आर नॉट इक्वल. यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एंगल्स सेम है, साइड्स आर इन प्रोपोर्शन. मान लो ये 3 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर. इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं दोनों. ABC is a triangle with side 3 cm, DEF is a triangle with 1 cm. So both the triangles is case mein congruent nahi hongi. Since the sides are in proportion, 3 by 1 inki ratio ban rahi hai. So hum jo hai yahan pe congruency word use nahi karenge. We will say that the triangles are similar. Theek hai? Aur similarity ke liye jo aap sign use karte ho ye. Got it? ये भी डाल सकते हैं, दोनों में से जो आपको इजी लगे डाल लो, इतना उस पर ध्यान नहीं दिया जाता. तो सिमिलैरिटी में क्या होगा, क्या कंडीशन लेके चलोगे? एंगल्स आर इक्वल एज वेल एज साइड्स आर प्रोपोर्शनल. कॉन्ग्रुएंसी में आप क्या करते थे? साइड्स आर इक्वल, यहाँ पे सिमिलैरिटी में साइड्स आर प्रोपोर्शनल. ठीक है, अब ये कुछ आपके एग्जाम्पल्स गिवन है पेज नंबर 118 पे, बुक में पेज नंबर 118. यू कैन सी दिस फर्स्ट फिगर, डिफरेंट सर्कल्स आपको गिवन है विद डिफरेंट रेडियाई. रेडियाई क्योंकि इनके डिफरेंट हैं, तो दीज आर सिमिलर सर्कल्स नॉट कॉन्ग्रुएंट. सेम वे में नेक्स्ट वाले में आपको स्क्वायर्स गिवन है. अगेन स्क्वायर के सभी एंगल्स आपके 90 डिग्री होते हैं, बट साइड्स क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट हैं, साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, तो दीज स्क्वायर्स आर सिमिलर. ट्राइंगल्स भी अगेन सिमिलर. और नेक्स्ट वाला जो भी आपको क्वाड्रिलेटरल गिवन है, दैट इज अगेन सिमिलर. पेज नंबर 119 पे यू आर शोन द डिफरेंट फिगर्स ऑफ ताजमहल. अगेन दीज आर रिप्रेजेंटिंग द सेम फिगर, सेम आप मॉन्यूमेंट कह सकते हो, बट विद डिफरेंट रेशियोज. तो
these are similar figures. So two polygons of same number of sides are similar. Similar kab honge? If their corresponding angles are equal and the corresponding sides are in same proportion. ठीक है, साइड जो है वो सेम प्रोपोर्शन में अगर होंगी तो फिगर्स जो है आपकी दैट विल बी सिमिलर. जैसे आपने मैप्स का भी देखा हुआ है, मैप पे क्या होता है, सेम रेशियो के अंदर जो है वो उन्होंने दिखाया होता है. मान लो आपको जालंधर से दिल्ली तक का डिस्टेंस लेना है, तो जितना एक्चुअल में डिस्टेंस है उसका प्रोपोर्शनेट जो है रेशियो एक उसे जो है वो डिपिक्ट किया होता है मैप पे. सेम यहाँ से जितना अमृतसर का बन रहा है डिस्टेंस, सेम एक रेशियो में मैप पे डिपिक्ट किया होता है. So these are all the examples of the similar concept. Then ये आपके आइए पेज नंबर 121 पे. अब यहाँ ध्यान दो, आपको एंगल डी 85 गिवन है, उधर एंगल एस 85 गिवन है, देन एंगल सी इज 70 डिग्री, एंगल आर इज 70, एंगल ए 105, एंगल पी 105, एंगल बी 100, क्यू 100, साइड्स 2.1 और उधर जो प्रोपोर्शनेट साइड है दैट इज 4.2. क्या रेशियो है 4.2 और 2.1 की? 1:2. अगला 2.4 और 4.8 रेशियो इज अगेन 1:2. 2.5 एंड 5 रेशियो इज अगेन 1:2. 1.5 एंड 3 रेशियो इज अगेन 1:2. जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए आई एम जस्ट ड्रॉइंग द फिगर. एंगल्स नहीं मैं लिख रही हूँ क्योंकि एंगल्स आर ऑल सेम. This is 2.1. So इसके corresponding जो side है 4.2, 2.4, 4.8, 1.5, 3, 2.5, 5. So अगर आप इनके जो ये वाले angles हैं ये सभी same हैं, corresponding angles are all same. अगर आप sides की ratio लेते हो तो that all are having the ratio as 1:2. Angles are equal, ratio is same, so the figures are कैसे फिगर्स हैं? सिमिलर. सेकंड देखो, एक स्क्वायर आपको 3 सेंटीमीटर का गिवन है, एक आपको रेक्टेंगल गिवन है. ये स्क्वायर गिवन है 3 सेंटीमीटर और ये रेक्टेंगल गिवन है विद 3 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर. इज दिस अ सिमिलर फिगर और नॉट? व्हाई? क्योंकि सभी साइड्स की जो रेशियो है वो सेम नहीं आ रही है. ठीक है, एंगल्स बेशक जो है इनके सेम है, चारों एंगल्स 90 डिग्री हैं, बट जो रेशियो है यहाँ पे 1:1 बन रही है और यहाँ पे नहीं बन रही है. किसमें बच्चे? नेचुरली जब उसकी फिगर्स जो है साइड्स जब प्रोपोर्शनेट आएंगी तो फिगर भी वो सेम आएंगे. तो यहाँ पे विदाउट कैलकुलेटिंग हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि एक स्क्वायर है एक रेक्टेंगल है. So these are not similar. ठीक है, जब आपकी साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, रेशियो में होंगी, तो फिगर वो नेचुरली उनकी जो आप शेप बनाओगे वो सेम हो जाएगी. ठीक है, अब एक्सरसाइज 6.1 पे आ जाइए. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स. ऑल सर्कल्स आर डैश कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर. सिमिलर क्योंकि रेडियाई उनके डिफरेंट हो सकते हैं, तो डिफरेंट रेडियाई वाले आपके क्या होते हैं? दे आर सिमिलर. देन सेकेंड, ऑल स्क्वायर्स आर अगेन सिमिलर. ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर. आइसोसेलेस और इक्विलेटरल. इक्विलेटरल क्योंकि उनके एंगल्स क्या होंगे? सेम होंगे. आइसोसेलेस में जरूरी नहीं है कि सभी एंगल्स सेम होंगे, तो वो आपके सिमिलर नहीं हो सकते. टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल. Give two different examples of pair of similar figures. Circle of radius 3 cm and 5 cm or squares of side 4 cm and 5 cm. कुछ भी आप अपनी मर्जी से दे सकते हो. Non-similar figures, a circle and a square or a square and a rectangle. State whether the following quadrilaterals are similar or not. फिगर देखते ही पता लग रहा है आर दी सिमिलर और नॉट. एंगल्स आर नॉट सेम. ठीक है, तो फिगर्स जो है वो सिमिलर नहीं है. गॉट दिस कंसेप्ट? पॉलीगन्स आपके जो है वो सिमिलर कब होंगे? इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. पहली कंडीशन ये.
सेकेंड कंडीशन की इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो है दे आर इन प्रोपोर्शन. देन नेक्स्ट है हमारा सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स पे हम इस चैप्टर में कंसेंट्रेट करेंगे. अब हमें यहाँ पे अभी हमने किया कि पॉलीगन्स जो है वो सिमिलर कब होते हैं, जब एंगल्स इक्वल और साइड प्रोपोर्शनल. अब सिमिलर ट्राइंगल्स कब होंगी, ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर इफ पॉलीगन से हम ट्राइंगल पे आ गए, क्या आएंगी कंडीशन, इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एज वेल एज कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल. सो रेशियो ऑफ एनी टू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इन टू इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स जो है अगर वो हमेशा सेम है देन वी विल से दैट द ट्राइंगल्स आर सिमिलर. उसके बाद ये एक्टिविटी आपको करके दिखाई गई है, बट क्योंकि अब ये हमारा पार्ट डिलीट हो गया है तो वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस. नेक्स्ट है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. एक पेज दो मुझे. बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का पहले आप कंसेप्ट समझ लो क्या है. इसकी ना एक वो करके दो मुझे, ट्राइंगल कट करके इन द शेप ऑफ अ ट्राइंगल प्रॉपर वे में ऐसे यहां से ये, ताकि मुझे यहां से उसको इजी रहे. हाँ जी बना के मतलब कट करके आगे दे दो उसको, है ना. बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो है आपकी, इसका अदर नेम जो है दैट इज थेल्स थ्योरम आल्सो. एक रिफिल दो जिसका निकल सकता है इजीली, जिसके पेन में से रिफिल इजीली निकल जाए और बाद में दोबारा डल भी जाए. गिव मी द रिफिल, बड़ा चाहिए. ट्राइंगल कौन कट कर रहे हैं, चलो तब तक कंसेप्ट समझो क्या है. बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो है इसका अदर नेम इज थेल्स थ्योरम. THEALES थ्योरम. BPT भी इसको शॉर्ट में कहा जाता है, BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. अब इसमें क्या होता है आपका कि अगर मैं यहाँ पे करूं कि यहां से एक पॉइंट हमने लिया, और यहां से ये पॉइंट मैंने लिया, ये लाइन इसके पैरेलल आ रही है, यस और नो. ठीक है, सेम वे में लेट अस सपोज कि अब मैंने ये, अच्छा जब ये लाइंस पैरेलल आ रही हैं, यहां से इधर से देखो, अब इस साइड से यहाँ पे यू कैन काउंट द लाइंस कितनी आ रही हैं यहां से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, और इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इधर है, 9 इधर है. सेम वे में जब मैं इसके नीचे वाली डायरेक्शन में काउंट करूंगी, सो हेयर दीज विल आल्सो बी सेम, 1 2 3 4 5 6, और ये बड़ी वाली होगी रेड, और इधर से काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 5 6, और ये बड़े वाले के पैरेलल आ रहे हैं. तो ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं व्हेन दिस इज पैरेलल टू दिस. ठीक है, तो ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है आपकी. इफ अ लाइन इज ड्रॉन, इस तरीके से ड्रॉ करती है कि उसकी दो साइड्स को कट कर रही है और थर्ड वाले के पैरेलल है. ठीक है, कि इन दो जो साइड्स हैं ट्रायंगल की, अगर यहां से पास करती हुई लाइन, मैं एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करती हूँ कि वो लाइन जो है इसको टू सेम रेशियोज में डिवाइड कर रही है, तो ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल. और यू कैन से कि यहाँ स्टेटमेंट देखो, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल, ये लाइन हमने पैरेलल अगर इसके ड्रॉ की, तो दिस लाइन विल डिवाइड द थर्ड साइड, दिस लाइन विल डिवाइड द अदर टू साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शन, सेम रेशियो. गॉट इट. हाँ जी, अब नहीं, मिड पॉइंट में सिर्फ मिड पॉइंट होता है, यहाँ पे चेंज करते हैं. अब मान लो मैंने यहाँ ले लिया ये, मैंने रेशियो चेंज कर दी,
नाउ यू कैन सी अभी भी पैरेलल है ये, ठीक है। और अब ये अगर मैं अगेन चेंज कर दूं कि लाइन मैंने अब पैरेलल ड्रॉ नहीं की, मैंने लाइन को नॉन पैरेलल कर दिया, देन इट इज नॉट डिवाइडिंग दीज टू इन द सेम रेशियो। अब यहाँ पे अगर आप काउंट करो और यहाँ काउंट करो या यहाँ मेजर करो, यू कैन क्लियरली सी ये वाला पार्ट बड़ा है इस वाले पार्ट से, सेम वे में ये पार्ट बड़ा है इस पार्ट से, और ये क्योंकि रेशियो सेम नहीं आ रही तो लाइन पैरेलल नहीं है, ठीक है। रेशियो सेम कब होगी, जब लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। कहीं पे भी आप ऊपर नीचे ड्रॉ कर सकते हो, इफ दिस लाइन इज पैरेलल टू द वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, then this parallel line is dividing the other two sides in the same proportion. Got this? जब ये line parallel नहीं होगी तब जो proportion है, ratio है sides की, वो same नहीं हो। So this is your basic proportionality theorem. If a line is drawn parallel to any one side of the triangle, then this parallel line divides the other two sides of the triangle in the same ratio. Concept clear है ये? याद रहेगा, line अगर parallel है रेशो सेम होगी, लाइन अगर पैरेलल नहीं है तो रेशो सेम नहीं होगी। ये लाइन पैरेलल नहीं है, यहाँ ये वाली जो साइड है, ये वाली जो लेंथ है, दिस इज मोर देन दिस लेंथ, ये लेंथ ज्यादा है इस लेंथ से, तो दीज आर नॉट इन सेम रेशो, दीज आर नॉट प्रोपोर्शनल। क्लियर? किसका था ये रेशो? थैंक यू। So this is your basic proportionality theorem. इसकी statement आपको learn करनी पड़ेगी, हल्का सा twist देके MCQ बन सकता है। यहाँ पे if a line is drawn parallel है, वहाँ पे आपका perpendicular word लिखा आ सकता है, then intersecting word लिखा आ सकता है। तो अगर आपको statement जो है याद नहीं है इसकी, तो आप अपना MCQ mark वहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है। So if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the Kartik, do you want to ask something? Yes, ma'am. Yes. मैम परपेंडिकुलर कैसे हो सकता है? बेटा दिस इज व्हाट आई एम गिविंग, की गिविंग यू द ऑप्शन। अगर मैंने वहां पे ऑप्शन परपेंडिकुलर दे दी तो दैट विल बी रॉन्ग। मैं आपको ये कह रही हूँ कि स्टेटमेंट आपको लर्न करनी पड़ेगी, वो एमसीक्यू की फॉर्म में किसी भी फॉर्म में बना के दे सकते हैं। मान लो उन्होंने एक ऑप्शन बना दी, इफ अ लाइन इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू, अगर आपको स्टेटमेंट याद नहीं है पैरेलल और परपेंडिकुलर क्या वर्ड है, तो यू कैन नॉट मार्क द आंसर, ठीक है। तो इसी स्टेटमेंट को आपको लर्न करना है, इसका अदर नेम आपको लर्न करना है, दैट दिस इज थेल्स थ्योरम। थेल्स ने ये थ्योरम दी थी, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड थेल्स थ्योरम। अदरवाइज दिस इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि अगर हम एक ट्राइंगल के जो है लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, इस साइड के पैरेलल हमने ड्रॉ की, तो जो अदर टू साइड्स हैं उनको ये सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है, यानी कि ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी। गॉट इट? क्लियर? ये लेंथ आपकी ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी, और यू कैन इंटरचेंज देयर पोजीशंस आल्सो, ए बाय सी इक्वल टू बी बाय डी आल्सो यू कैन राइट। तो इसका प्रूफ मैं करवा देती हूँ, बट वैसे वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ जी, रिजल्ट तो हो गया खत्म, नहीं करना प्रूफ, नहीं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी का नहीं, डिलीटेड। पाइथागोरस का भी है, कन्वर्स जो है दैट वन इज, और एक रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ जो ट्राइंगल। हाँ जी, मैं करवा रही हूँ, उसके बाद जब हम रिवीजन करेंगे तब नहीं हम करेंगे, ठीक है। अब हमें देखो यहाँ पे क्या गिवन है, इफ अ लाइन गिवन, देखो पहले क्या क्या है। स्टेटमेंट थी आपकी, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। गिवन क्या क्या है, जल्दी बोलो क्या क्या गिवन है। ट्राइंगल ए बी सी और लाइन डी ई पैरेलल टू बी सी, और टू प्रूफ में क्या आएगा, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। मैंने ये ट्राइंगल ले ली, दिस इज डी ई पैरेलल टू बी सी, और जो है हमने प्रूफ क्या करना है, ए डी अपॉन डी बी
इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। सबसे पहले हमने क्या किया, यहां से परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप, एरिया ले लेंगे हम ट्राइंगल्स का, यहाँ से इधर से आपको बी ई और डी सी को भी ज्वाइन करना है, बुक में ही देखते जाओ, क्लियर हो जाएगा आपको, इतनी टफ नहीं है। बी ई और सी डी को आपने ज्वाइन किया, हमने यहाँ पे क्या कंसेप्ट लगाया है, हम यहाँ कंसेप्ट लगा रहे हैं एरियाज की रेशियो का, एरिया ऑफ ए डी ई को हम एरिया ऑफ दिस बी डी ई से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो रेशियोज हैं वो सेम आ जाएंगे। तो हमने यहाँ पहले ट्राइंगल ली ए डी ई, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, ए डी ई जब आप लेके चल रहे हो तो ये आपका 90 डिग्री है, बेस क्या आएगा इसमें, बेस ट्राइंगल ए डी ई मैंने ट्राइंगल ए डी ई में कंसेप्ट लगाया हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मैंने कहा ये है, ठीक है, ई ये है, तो इसको क्या लोगे, जी ले लो बेटे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना, ये 90 डिग्री आ गया, डी जी परपेंडिकुलर हो गया, तो हाफ इंटू एल्टीट्यूड हो गया डी जी। अब बेस कौन सा लेना, बेस क्या लोगे, ए ई, जिस पे आप 90 डिग्री बना रहे हो वो आपने बेस लेके चलना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए ई। सेम वे में आप दूसरी ट्राइंगल कौन सी लेके चलोगे, ट्राइंगल बी डी ई, बी डी ई, एक सेकेंड, हाँ जी किसमें बच्चे, ट्राइंगल कौन सी है, ए डी ई ये बन रही है ट्राइंगल आप, यहां से जब मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो फुल साइड लोगे कि हाफ लोगे, फुल लोगे ना, तो इसलिए ए ई है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमने ले ली ट्राइंगल बी डी ई, अब इसमें बताइए, बी डी ई में क्या लेके चलेंगे, ये परपेंडिकुलर है, ये एक्सटेंड कर दिया, अब हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड क्या बनेगा, परपेंडिकुलर इज ये, बेस क्या बनेगा, डी बी, ये बेस बनेगा ना बेटे, आप लोगों ने ये नहीं किया हुआ ऑब्ट्यूज एंगल से, अगर ये ट्राइंगल है इसका एरिया कैसे निकालते थे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते थे एक्सटेंड करके, क्या लेते थे, हाफ इंटू बेस बी सी इंटू एल्टीट्यूड ए डी, किया हुआ ये कि नहीं, याद है, याद आया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में जब आप हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड यूज करते थे, एल्टीट्यूड आपका बाहर बनता था, लेकिन बेस आप इसको ही लेके चलते हो, तो सेम वे में ये ट्राइंगल ऐसे घुमा दो, ठीक है, ये आपका एक्सटेंड किया, ये एल्टीट्यूड है ई एफ और बेस क्या लेके चलोगे, बी डी, गॉट इट। अब नेक्स्ट जो है वो कौन सा ट्राइंगल लेके चलोगे, सेम वे में ट्राइंगल ए डी ई, और ए डी ई में और क्या लेके चल सकते हो, अगर ए डी ई में मैं ई एफ को परपेंडिकुलर लू देन व्हाट विल बी इट्स एरिया, ए डी ई, और इसमें मैंने अब ये ई एफ को अगर लिया हाफ इंटू ए डी इंटू ई ए, और दूसरी तरफ इसी तरीके से ट्राइंगल डी सी ई अगर हम लेके चलें तो इसमें क्या बनेगा, हाँ जी ये ट्राइंगल, अब इसमें ये एक्सटेंड होगी हाफ इंटू
डी डी जी ई सी, ये आ गए ट्राइंगल। अब क्या करेंगे, अब हमने रेशियो निकालनी है ए डी ई बी ई बी डी ई ए डी ई डी ई सी, क्या रेशियोज आएंगी बताइए। एरिया ऑफ ए डी ई रेशियो एरिया ऑफ बी डी ई, और इधर से एरिया ऑफ ए डी ई टू एरिया ऑफ सी डी ई या डी ई सी, क्या आएगा ए डी ई और बी डी ई, ये दो लो व्हाइट वाले, दिस इज हाफ इंटू ए डी इंटू ई एफ और अपॉन में हाफ इंटू ई एफ इंटू बी डी, हाफ ई एफ हाफ ई एफ कट गया, क्या आ गया ये ए डी अपॉन बी डी। सेम वे में इधर, अभी ये भी बताऊंगी कि ऐसे हमने क्यों लिया, अभी तो वैसे आपको ही पता लग जाएगा, यू कैन टेल मी कि क्यों लिया है ये। इधर क्या आएगा, यहाँ पे ये वाला लो हाफ इंटू ए इंटू डी जी अपॉन हाफ इंटू डी जी इंटू ई सी, यहाँ ये कट गया, क्या आ गया ए अपॉन ई सी। अब देखो यहाँ पे ए डी ई और बी डी ई का रेशो, यहाँ पे ए डी ई और डी ई सी का रेशो, और ये हमने इक्वल प्रूव करने थे, AD upon DB is equal to AE upon EC. इन दोनों को हमें क्या करना था, इक्वल प्रूव करना था। आपने नाइन्थ स्टैंडर्ड में, आई डोंट नो कि वो अब आपका चैप्टर डिलीट ना हो गया हो, आपने ये किया था कि जब आपके पास दो पैरेलल लाइंस होती हैं, इन पैरेलल लाइंस में जब आप दो ट्राइंगल्स लेके चलते हो तो उनके जो एरियाज होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। किए हुए कंसेप्ट ये कि डिलीट हो गया था, चलो रिजल्ट तो याद है। Yes or no? Two triangles with the same base between same parallels are having same areas. अब यहाँ पे आपकी जो triangles कौन कौन सी बन रही हैं? B, D, E, ये वाली, और दूसरी कौन सी बन रही है आपकी C, D, E, ये वाली। Now these are having the same base एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, तो ट्राइंगल्स के एरियाज क्या हो गए, इक्वल हो गए, ट्राइंगल्स के एरियाज इक्वल हो गए, यानी कि बी डी ई कैन बी रिप्लेस, डी ई सी कैन बी रिप्लेस विद बी डी ई, नेक्स्ट स्टेप में ये रिप्लेस कर देंगे। सो फ्रॉम वन एंड टू, सिंस देयर लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल, सो देयर राइट हैंड साइड्स विल ऑल्सो बी इक्वल, तो ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। गॉट इट, हमने क्या किया है यहाँ पे, हमने ट्राइंगल ए डी ई ली यहाँ से, इसका एरिया और नीचे से ये दो ट्राइंगल्स का एरिया सेम बेस के साथ, तीनों ट्राइंगल्स हो गई आपकी ए ई बेस के साथ हो गई, इन तीनों ट्राइंगल्स के एरियाज हमने ले लिए। बस यहाँ एक चीज का ये ध्यान रखना है कि जो आपने ये ए डी ई का एरिया लिया है, ये आपको दो बार लेना है विद डिफरेंट एल्टीट्यूड, ठीक है, दोनों डिफरेंट एल्टीट्यूड के साथ लिया, फिर एक बी डी सी वाला एल्टीट्यूड बी डी सी के साथ लेना है, बी डी सी का बी डी ई का, बी डी ई का एल्टीट्यूड क्या था आपका ई एफ, तो ए डी ई जो आपका ई एफ वाला एल्टीट्यूड था, ये दोनों मैंने इसलिए इकट्ठे लिए ताकि ये कैंसल आउट हो जाए। सेम वे में बी डी ई डी ई सी और ए डी ई में जो सेम एल्टीट्यूड डी जी है, वो वाले दोनों रेशियो आपने सेम लिए, ठीक है। अगेन यहाँ पे क्या रह गया था ए ई अपॉन ई सी, यहाँ पे क्या रह गया था ए डी अपॉन डी बी, दोनों के रेशियोज इक्वेट करने के लिए हमने ये कंसेप्ट यूज किया कि इफ वी आर हैविंग टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स देन देयर एरियाज आर इक्वल, तो डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो गए। अब न्यूमिरेटर में दोनों में साइड लेफ्ट हैंड साइड पे ए डी है, डिनोमिनेटर में बी ई सी आ गया, तो क्या हो गया बी डी ई आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, तो दे आर राइट हैंड साइड विल आल्सो बी इक्वल, तो हमने क्या किया दोनों को इक्वेट कर दिया। गॉट द कंसेप्ट, ट्राइंगल्स कौन कौन सी लेनी है, ट्राइंगल्स लेनी है तीन, जो विद बेस डी ई है, जो पैरेलल लाइन है आपकी ए डी ई बी डी ई एंड सी डी ई, इसमें जो आपकी ट्राइंगल ए डी है ए डी ई है
उसमें आपके दो एल्टीट्यूड्स आ रही हैं, तो दोनों एल्टीट्यूड्स के साथ आपने क्या करना है, एरिया निकाल लेना है, फिर जो नीचे वाले दो ट्राइंगल्स हैं इन दोनों का एरिया ले लेना है, देन उनकी रेशियो फाइंड आउट करनी है, रेशियो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल करके राइट हैंड साइड इक्वल करके। किन की बेटे, हमें साइड्स की रेशियो शो करनी है ना, साइड्स रेशियो उनका शो करना है कि सेम है, साइड्स प्रोपोर्शनल शो करनी है। साइड्स प्रोपोर्शनल कब होंगी, जब हम एक को दूसरे से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करते तो वी वुडंट हैव गॉट दैट थिंग। यहाँ आप ऐसे कर सकते थे कि अब यहाँ ए डी ई के साथ बी डी ई वाला मल्टीप्लाई करते, डी ई सी वाला मल्टीप्लाई करते, इधर बी डी ई के साथ ए डी ई वाला मल्टीप्लाई करके फिर इक्वेट करते, तो वो टर्म्स आपकी कैंसिल आउट होते, जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई में करते हो, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसलिए हमने ये कंसेप्ट याद रखना इजी है, क्योंकि हमने साइड्स का रेशियो इक्वल शो करना है, साइड्स को प्रोपोर्शनल शो करना है, तो हमने यहाँ पे एरियाज का भी रेशियो, ठीक है। और ए डी ई दोनों में कॉमन रहेगा, जो बेस वाले हैं नीचे वो कॉमन रहेगा। हाँ जी, कहाँ बच्चे, हाँ यहाँ D है, दिस इज ए डी अपॉन डी। बेटे यहाँ पे डी ई सी था, ठीक है, बट हमने ये वाला कंसेप्ट यूज कर लिया ना, डी ई सी और बी डी ई के एरियाज इक्वल है, तो फिर हमने डी ई सी को बी डी ई से रिप्लेस कर दिया। अब ये मैंने मतलब नेक्स्ट स्टेप इसी में कर दिया, आप अगले में लिख सकते हो। अब लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल थी, तो हमने राइट हैंड साइड इक्वेट कर, सो वी गॉट द आंसर ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। इट मीन्स यहाँ पे जो आपको मेन कंसेप्ट याद रखना है, अच्छा अब इसमें हम बोर्ड के बारे में ये भी कुछ नहीं कह सकते, वहां पे ये भी आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग फॉर द प्रूफ ऑल्सो, कि वो क्या आपको ये पूछ लें कि इन बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम फॉर प्रूविंग दिस थ्योरम विच फोर ट्राइंगल्स आर यूज या विच थ्री ट्राइंगल्स आर यूज, तो अगर आपको प्रूफ नहीं आता तो यू कैन नॉट गिव द आंसर। तो इसलिए मैं ये कंसेप्ट आपको बार बार बोल रही हूँ, क्या क्या लेके चलना है आपने, इसमें एक ट्राइंगल आप ए डी ई यानी कि तीनों डी ई जो पैरेलल लाइन वाला बेस बन रहा है, तीनों ट्राइंगल्स आपने उस बेस के साथ वाली लेके चलना, ठीक है। ये एक जो है स्टेटमेंट कल मैं किसी भी बच्चे से बीच में से पूछ सकती हूँ, स्टेटमेंट आप लोगों को लर्न होनी चाहिए। सो टुमारो वी विल डू द कन्वर्स एंड देन द एक्सरसाइज के जो आपके सॉल्यूशंस हैं दैट आई विल सेंड इन द रिटन, यू स्किप दिस पार्ट ऑफ राइटिंग इन द क्लास, सो दैट विल सेव आवर टाइम। If anyone is having any doubt, you can ask. Otherwise, I